आज देशहित में आपके लिए जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव में एक बहुत बड़ी खबर लेकर आए। ये खबर आपको भारतीय वायुसेना की लद्दाख वाली बहुत बड़ी तैयारियों की जानकारी देगी। जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव, जल्दी से नोट कर लीजिए, बड़ी खबर है, देशहित ब्रेकिंग आपको बताने जा रहे हैं हम लोग। सर्दियों में लद्दाख में भारतीय वायुसेना की तैनाती की बड़ी तैयारी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये बड़ी खबर है। सर्दियों में लद्दाख में भारतीय वायुसेना की तैनाती की बड़ी तैयारी। नंबर दो, एलएसी पर मौजूदा हालात को लेकर वायुसेना बेहद सतर्क है। जो एलएसी पर हालात इस वक्त बने हुए हैं उन्हें लेकर वायुसेना सतर्क है। लद्दाख के फिंगर फोर्स से चीन के सैनिक पीछे नहीं हटे हैं। जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव, देशहित ब्रेकिंग, ये तमाम जानकारियां सिर्फ जी न्यूज पर आपको मिल रही है। जो पीछे हटने का फैसला हुआ था, सहमति बनी थी, उस पर चीन ने अमल नहीं किया है। हम बार बार कहते हैं चीन भरोसे के लायक नहीं। 14 जुलाई को कोर कमांडर स्तर की बैठक हुई थी, 4 बार बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी चीन जो है वो फिंगर फोर से पीछे नहीं हटा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव, लद्दाख में सर्दियों में जब तापमान -50 डिग्री के आसपास होता है, लद्दाख में सर्दियों में भारतीय वायुसेना की तैनाती की ये बड़ी खबर है। और वायुसेना इन चुनौती भरे हालातों में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। वायुसेना बेहद सतर्क है। जो सहमति चीन के साथ बनाने की कोशिश की, जो वार्ता की टेबल पर बात होती है, चीन अक्सर उसे नहीं मानता है, ये हमने देखा। हमारे साथ इस वक्त रिटायर्ड एयर मार्शल अनिल चोपड़ा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। एयर मार्शल और साथ ही कृष्ण मोहन मिश्रा जी मीडिया संवाददाता, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले खबर क्या और वो जान लेते हैं कृष्ण मोहन से, फिर मतलब समझेंगे एयर मार्शल अनिल चोपड़ा से। पहले खबर बता दीजिए, जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव, कृष्ण मोहन मिश्रा, है क्या है? सर्दियों में तैनाती मतलब क्या नहीं होती या कम होती या मतलब क्या है इसका, खबर क्या है? अमन, दरअसल लद्दाख में तैनाती करना किसी भी सेना के लिए बहुत मुश्किल होता है। एक डिवीजन वहां पर होती है और एयरफोर्स के कुछ एक डिटैचमेंट होते हैं और गर्मियों में उनके लिए पूरी स्टॉकिंग, विंटर स्टॉकिंग कर ली जाती है। लेकिन इस बार चूंकि चीन ने बहुत बड़ी तादाद में अपने सैनिक इकट्ठे किए हैं, मिरर डिप्लॉयमेंट करते हुए भारतीय सेना ने भी अपनी लगभग 4 डिवीजन वहां पर तैनात कर दी है। यानी एक डिवीजन होती थी, 3 अतिरिक्त डिवीजन तैनात कर दी। इसके अलावा एयरफोर्स के अलग अलग फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का भी वहाँ पर आना जाना लगा रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एयरफोर्स को सर्दियों के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। जिस चीज़ का अंदेशा बार बार जताया जा रहा था, जी मीडिया बार बार कह रहा था कि ये मामला सर्दियों तक खिंच सकता है और चीन अपने वादे पर अमल नहीं कर रहा है, वायुसेना ने अपने लोगों को सर्दियों की तैनाती के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। इसका अर्थ ये होता है कि बहुत बड़ी तादाद में विंटर स्टॉकिंग की जाएगी, गर्म कमरों को गर्म रखने के लिए कपड़े और दूसरी चीज़ें, इसके अलावा रसद, क्योंकि रास्ते बंद हो जाएंगे कुछ एक महीनों के बाद, 2-3 महीने बाद, और सिर्फ एयर सप्लाई ही चालू रहेगी। तो बहुत बड़े पैमाने पर मैसिव स्केल में ये ऑपरेशन किया जाएगा, क्योंकि ये अंदेशा है कि ये मामला अभी सुलझने वाला नहीं है। ये मामला अभी सुलझने वाला नहीं है, लड़ाई लंबी रहने वाली है, लगातार एक्सपर्ट्स बताते रहे हैं। तो ये कृष्ण मोहन मिश्रा जो बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव, ये बहुत बड़ी खबर है एयरफोर्स की तैनाती की, एयरफोर्स की बड़ी, लद्दाख में सर्दियों में, नोट करिए, सर्दियों में लद्दाख में तैनाती की वायुसेना की ये बड़ी तैयारी है। इसका मतलब यह है कि लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है, हालात तनावपूर्ण अभी लंबे चलेंगे। यहाँ एलएसी पर जो मौजूदा हालात हैं उसे लेकर वायुसेना बहुत सतर्क है। जिस तरह के हालात एलएसी पर बने हुए, लद्दाख के फिंगर फोर्स से चीन के सैनिक अभी पीछे नहीं हटे हैं और यही कारण भी अमन की वायुसेना पहले के मुकाबले ज्यादा सतर्क। आपको बता दें, पीछे हटने के फैसले पर चीन ने अब तक अमल नहीं किया, 4 बार बातचीत हो चुकी है, 14 तारीख को कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई है, पहली 6 या 5 जून के आसपास हुई थी, 4 बार हो चुकी है, 10-10, 11-11 घंटे बातचीत हो रही है, लेकिन कोई नतीजा निकलता जो है वो अभी भी नहीं आ रहा। इस वक्त हमारे साथ एयर मार्शल अनिल चोपड़ा। एयर मार्शल अनिल चोपड़ा, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? अगर लद्दाख में सर्दियों में एयरफोर्स की तैनाती की तैयारी, मतलब क्या है सर इसका? बड़ी दुख की बात है कि एक बड़ी नेशन होने के बावजूद चाइना जो डिसाइड हुआ है उसको फॉलो नहीं कर रहा और वो अपनी पोस्ट से पीछे नहीं जा रहा है। इसलिए कोई रिस्पॉन्सिबल नेशन जैसे भारत है
वो अपने आप को बचाने के लिए या किसी वार को रोकने के लिए अपनी पूरी पूरी तैयारी करता है। इस समय एयरफोर्स की कमांडर्स कॉन्फ्रेंस चल रही है, बहुत इंफॉर्मेशन आपको मीडिया वालों को मिल रही होगी कि हो सकता है, सुनने में आ रहा है कि ये इस विंटर में ये सिचुएशन ऐसी ही बनी रहेगी, इसलिए वायुसेना उसके लिए पूरी तैयारी में है। देखिए, सारा साल विंटर्स में जब मेन रोड्स हाईवेज थोड़ी देर के लिए बंद हो जाते हैं बर्फ के कारण, भारतीय वायुसेना सपोर्ट करती है अपने सप्लाई लाइंस के साथ, एयर ट्रांसपोर्टेशन के साथ। लेकिन इस समय में हमारे वहां पर मैं इसको सक थोड़ा सा कनेक्शन का इशू है, लेकिन आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि लगातार बैठकों के बावजूद चीन पर भरोसा, चीन भरोसे लायक है नहीं, नाकाबिले भरोसे है, चीन लगातार बैठकी हुई है, और इस वजह से आप कह रहे हैं कि डेटरेंट के तौर पर भी हो सकता है, जो प्रधानमंत्री की तरफ से भी कहा गया था कि वीरता ही शांति की पहली शर्त है, तो क्या ये किस्म और मिश्रा एक डेटरेंट के तौर पर भी है, अपनी तैयारी दिखाने के तौर पर भी है, कि जिस तरह से बैठक में भी राजनाथ सिंह ने भी कहा कि हर परिस्थिति के लिए आप तैयार रहे, तो डेटरेंट के तौर पर भी किशमोहन मिश्रा? अमन, ये डेटरेंट से कुछ ज्यादा है, क्योंकि अब ये खतरा सामने नजर आ रहा है। चार दौर की कोर कमांडर लेवल की बात हो चुकी है, इससे पहले दर्जनों बार मेजर जनरल और ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत हो चुकी है, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी चीन को एंगेज किया गया है, लेकिन उसके बाद भी चीन किसी भी जगह अपनी बात पर कायम नहीं रह रहा है। चार जो मेन फ्लैश पॉइंट्स थे उनमें वो गलवान और हॉट स्प्रिंग और गोगरा से पीछे हटा था, लेकिन जब भारतीय सेना ने उसका ऑडिट किया है तो वो उस दूरी तक नहीं हटा है जिस दूरी तक उसे हटना चाहिए। वहीं पेंगोंग का मामला ज़्यादा उलझा हुआ है, फिंगर फोर पर की रिजेस पर उसने कब्जा कर रखा है, वहां पर उसकी लगभग एक कंपनी सैनिक तैनात हैं, और फिंगर पांच पर तो उसने पक्की मोर्चाबंदी कर रखी है, यानी चीन पीछे नहीं हट रहा है, चीन अपना डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है, भारतीय सेना भी मिरर डिप्लॉयमेंट कर रही है, और लद्दाख एक काम करिए, पूर्वी लद्दाख में आप इसको सरल आप अगर दो सवालों का जवाब आप चार गुनी ज्यादा सेना वहां तैनात है। किशमोहन, दो सवालों के जवाब, एक तो तैनाती का मतलब क्या कि आमतौर पर सर्दियों में -50 टेम्परेचर पे क्या तैनाती नहीं होती, ये एक मेरा सवाल है, ये क्या अनयूजुअल है, ये मेरा सवाल। दूसरा मेरा सवाल ये है, वायुसेना की तैनाती की तैयारी का मतलब क्या, ट्रांसपोर्ट जो है व्हीकल वो या फाइटर जेट्स, ये दो सवाल है मेरे। अमन, आपके दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले देता हूं, इसका मतलब है दोनों, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इसलिए क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में सेना वहां पर जमा है, जिसको कुछ महीनों बाद एयर मेंटेन करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं रहेगा, सर्दियों की जरूरतें वहां बहुत ज्यादा होती हैं, रहने के लिए प्री फैब्रिकेटेड हट्स चाहिए होती हैं, ज्यादा गर्म कपड़े चाहिए होते हैं, केरोसिन चाहिए होता है, और सबसे बड़ा कैजुअल्टी इवैक्यूएशन होता है, उस मौसम में तबीयत खराब होने की संभावनाएं सैनिकों में बहुत ज्यादा होती हैं, तो दोनों की तैयारियां, साथ में फाइटर जेट्स और जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी भी तैयारियां, लेकिन जो मैसिव स्केल पर ऑपरेशन चलाना पड़ेगा वो होगा विंटर स्टॉकिंग के लिए, क्योंकि अब जो विंटर स्टॉकिंग होगी वो चार गुनी ज्यादा होगी पिछले साल के मुकाबले, अभी तक की स्थितियों में चार गुनी ज्यादा होगी, ये आज मैं कह रहा हूं, हो सकता है 15 दिन बाद स्थितियां इससे भी ज्यादा आगे बढ़ जाएं, और भारत को और वहां सेना तैनात करनी पड़े क्योंकि चीन अपनी सेनाओं की तैनाती बढ़ा रहा है, तो दोनों ही तरह से होगा, फाइटर एयरक्राफ्ट वहां रखे जाएंगे, उनको रखने के लिए शेल्टर्स बनाए जाएंगे, उनको दुरुस्त कर रखना पड़ेगा, चालू स्थिति में रखना पड़ेगा, जब तापमान -40 डिग्री पर होता है तो मशीन अलग ढंग से बिहेव करना शुरू कर देती है, उन सारी चीजों की तैयारियां करनी पड़ेगी और मैसिव स्केल पर विंटर स्टॉकिंग करनी पड़ेगी, इसीलिए वायुसेना ने अपने कर्मियों को सर्दियों की तैयारी करने का आदेश दिया। अनिल चोपड़ा से ठीक है, लेकिन उससे पहले जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसके मायने जरा आपको समझा देते हैं। सर्दियों लद्दाख में सेना की तैनाती के लिए एयरफोर्स के दो ट्रांसपोर्ट विमानों की बहुत अहमियत है। ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये विमान है C-17 ग्लोब मास्टर और दूसरा है C-130J सुपर हरकुलिस। लद्दाख में सैन्य साजो सामान ले जाने के लिए इनकी भूमिका बहुत अहम है, इसीलिए वायुसेना का बजरंग बली इन्हें हम कह रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ एयर मार्शल अनिल चोपड़ा है। तो ये विंटर स्टॉकिंग क्या होता है, जो लोग देशित देख रहे हैं कि आमतौर पर मतलब -50 डिग्री टेम्परेचर होता है तो क्या तैनाती नहीं होती या कम होती है, अगर अब तैनाती हो रही है तो इसका मतलब क्या है, विंटर स्टॉकिंग का मतलब क्या है?
हर साल समर्स में इंडियन आर्मी अपने आप ग्राउंड से रोड से बहुत सामान अपना लेकर आती है, मगर जो महीने विंटर्स में सड़कें बंद रहती हैं, जुदीला पास बंद हो जाता है या रोहतांग पास बंद हो जाता है, तो उसके लिए सप्लाईज एयर से जाती हैं। तकरीबन 30,000 टन की एयर सप्लाई हम हर साल नॉर्मल टाइम में करते हैं, मगर अब जो हालात बढ़ गए हैं, इंडियन आर्मी की टोटल स्ट्रेंथ है 3-4 गुना बढ़ गई है उस एरिया के अंदर, इसलिए द क्वांटम ऑफ जो सपोर्ट हमको देना पड़ेगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इससे जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, आपने एक ट्रांसपोर्ट जहाज का नाम नहीं लिया, C-130 का नाम लिया, मगर आपने एक पति को का नाम पूरा एयर मेंटेनेंस कर रहे हैं। एक और दो चीजें नई और होंगी, हेलीकॉप्टर भी बढ़ेंगे, उसके अलावा पहली बार अटैक हेलीकॉप्टर इस विंटर में वहां होंगे, पहली बार, आगे कभी अटैक हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं थी। फाइटर जहाज हम कितने वहां रखेंगे, थोड़े ही रखेंगे वहां पे, मगर फाइटर बेसिस जैसे अवंतीपुर, श्रीनगर, पठानकोट, अंबाला, ये सब में तैनात रहेंगे हमारे और उसका मतलब क्या है। खबर यह है कि सर्दियों में लद्दाख में भारतीय वायुसेना की तैनाती, इसका मतलब यह कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, सर्दियों में भी सतर्क रहना होगा, बहुत सतर्क रहना। देखिए खबर यह है कि लद्दाख में बड़ी तादाद में सैनिक और साजो सामान पहुंचाए गए। हमने आपको बताया कि आर्मी की 4 डिवीजन वहां पर है, ऐतिहासिक पहली बार हुआ है। अब इसका मतलब यह है कि चीन को संदेश है कि भारत उसे हर तरीके से जवाब देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, तैयार है। खबर यह है कि सर्दियों में लद्दाख में तापमान -50 डिग्री तक पहुंच जाता है, यानी कि मुश्किल परिस्थिति, चुनौती भरी परिस्थिति में भी जय हिंद के जवान सीमा पर डटे रहते हैं।